हमारी हथरस की घटना हुई है और उसमें कम से कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है। हादसा बहुत बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा दुख देने वाला है और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ भेंट दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। उसका जो आरोपी है मधुकर नाम का, उसको भी अरेस्ट कर दिया है। बाकी के लोग भी कुछ उसमें अरेस्ट है ना, और भी मतलब जो कोई लोग जिम्मेदार होंगे उसके लिए मतलब रिटायर जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का अपॉइंट किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर भी है और इसका जांच का रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा और उसमें किस कारण से हादसा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी और उसमें बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार के तरफ से मृतकों के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए हैं, उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए मुआवजा, 2 लाख रुपए उनके फैमिली को मदद दी गई है। जो कुछ जख्मी लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपए की मदद अनाउंस की है और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान देकर मतलब है। इसमें विरोधी दलों के लोगों ने राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हादसा बहुत बड़ा गंभीर है और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने वाली है। दोबारा इसी तरह का हादसा ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम में कितनी झूठ जुटने वाली है, जो मैदान का परमिशन दिया है वहाँ इतनी जगह है क्या, ये सब बातों का स्टडी करके मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए परमिशन देना चाहिए है। लेकिन होटलों का जो परसेंटेज है ये दोनों का आगे पीछे 2-3% का फर्क है। तो महाराष्ट्र में जो अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ एनडीए के साथ रहेगी और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, उसमें से कम 170-180 सीट लाने का हमारा प्रयत्न है। और अभी इस विधानसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा या विकास का मुद्दा चलेगा, और 10 सालों में मोदी सरकार ने राज्यों का भी विकास किया है, रोड की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने का भी निर्णय सरकार ने ले लिया है। अभी 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गरीबों को मिलने वाला है, उसका भी बजट पूरा पास किया है और कम से कम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये भी मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपये पूरे देश भर में किसानों को मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं और हमारी सरकार के पास 292 सीटें हैं, बहुमत से 20 सीटें हमारे पास ज़्यादा है और भी सीटें बढ़ने वाली है। जो 17 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आए गए और सरकार जो है सरकार अभी अगस्त में चली जाएगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हमको आदर है, वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता है और मतलब वो आरजेडी के नेता है और अगस्त में सरकार कैसी जा सकती है। हमारे पास क्लियर और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का जो स्टैचू बाबा साहब का खड़ा हो रहा है, जो राम सुतार है वो बहुत बड़े कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनको ये काम दे दिया है, वहाँ काम चालू है। वैसे बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं, इसीलिए संविधान बदलने का विषय नहीं,
और बाकी मुस्लिम आवाम को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी जो है ये आपको गुमराह करने का काम कर रही है। अरे सर, अभी आपने कहा है कि जो है राशन बांटा है, मकान दिए हैं, सब कुछ दिया है, जनता के साथ में खड़े रहे हैं, मगर फिर भी पिछड़ गए बीजेपी सरकार, फिर भी पिछड़ गई, फिर भी उनको चुनाव वोट में नहीं ले पाए, जीत नहीं पाए हैं, मगर अपनी सरकार तो बना ली है, मगर जो इस तरह से उनको जीतना था वो जीत हासिल नहीं हो पाई है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो इसके लिए ये जरूर हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे बीजेपी के सीनियर नेता उसका अभ्यास कर रहे हैं, और इसमें मतलब कारण संविधान का ही था, संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अभी मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में या बाद में लोकसभा के चुनाव में भी जो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ हमारे नुकसान का कारण एक संविधान का प्रचार तो किया गया, संविधान और आरक्षण का, लेकिन बसपा को मिलने वाला जो वोट है और समाजवादी पार्टी की तरफ कभी भी नहीं जाने वाला जो दलित वोट था, ये भी दलित वोट, कुछ दलित वोट इधर ट्रांसफर हो गया और मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में इन लोगों को मिला जो इसके 14-19 में नहीं मिला था। इसीलिए हमको जो 70-71 सीट की उम्मीद थी उसमें हमको मतलब सफलता मिली नहीं, लेकिन जरूर इसमें हम सुधार करेंगे और बीजेपी के जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमारा निवेदन ये है कि रिपब्लिकन पार्टी को बीजेपी ने साथ देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आरपीआई जिस तरह राजभर की पार्टी है और राहुल गांधी का सपना था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के दिन अभी बहुत बाकी है, उनको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। हमारी एनडीए दूसरी बार भी सत्ता पर आएगी, तीसरी बार भी सत्ता पर आएगी, 25-30 साल हम सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, और इसीलिए जरूर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे और राजस्थान ऐसे चार राज्यों में थोड़ा हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें 14-19 और 24 में मिली है उसमें अभी तो 99 सीटें उनकी है और 14-19 में दोनों मिलाकर कुछ 88 सीटें थी, तो मतलब इनको 3 बार जो कांग्रेस को सीटें मिली है उससे भी ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है, 240 सीटें बीजेपी के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने का बकवास था, संविधान बदलने का बहुत बड़ा गलत प्रचार था, संविधान कोई भी नहीं बदल सकते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है वो मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने 26 नवंबर ये जो दिन है ये संविधान दिन पूरे देश भर में स्कूल कॉलेजों में ऑफिसेज में मनाने का ऐलान किया है वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था ड्राफ्ट उसका वहाँ बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया है वो मोदी कैसा मतलब संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने मतलब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर खड़ा किया है वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी ने मुंबई में हिंदू मिल की जगह थी, एनटीसी की मिल थी, उसकी कीमत 3,600 करोड़ थी, तो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है दादर में और वहाँ बड़ा काम चल रहा है, 1-1.5 साल में उसका लोकार्पण सोहरा होगा और वहाँ कम से कम ठीक है ना, उन्होंने जो भरना भरेंगे जो अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा है उसके मुताबिक यहाँ जो भी शिक्षा भर्ती है, शिक्षक टीचरों की भर्ती है उसके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी, जो वैकेंट पोस्ट है वो स्लोली साइलेंटली उसका भरने का काम होता है और वो मतलब जो भर्ती करने का काम माननीय योगी सरकार करेगी,
और आज शाम को मैं उनको मिलने वाला हूँ, मैं उनके साथ इसके बारे में बात करूंगा। ये महाराष्ट्र में चुनाव, अक्टूबर में चुनाव है तो उसमें आपकी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हमारी पार्टी एक 8-10 सीटों की मांग हमने की है, तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट में भी बहुत ज़्यादा फैक्शन हुआ था और संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा चला था। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने कहा था पिछली बार भी कि जो हम लोग वहाँ पर आगे डिमांड करेंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर हमारे पार्टी का हो, तो उसमें अभी जब अभी चुनाव विधानसभा के बाद ही चुनाव आएगा तो ऐसा डिप्टी मेयर का आश्वासन हमको जो वहाँ के आशीष शेलार जी एडवोकेट जो वहाँ के मुंबई के अध्यक्ष है उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर इलेक्शन आती है और अपनी सत्ता आती है जरूर आरपीए को डिप्टी मेयरशिप मिलेगी। तो उसके बारे में भी जब अभी लोग विधानसभा के बाद ही वो इलेक्शन होगा तो तब जरूर हमको डिप्टी मेयर पद मिलेगा। अठावले जी, राहुल गांधी कल हाथरस गए थे पीड़ित परिवारों से मिले थे, उन्होंने कहा जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी है, सरकार को मुआवजा बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जो होती है, राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार भी होती थी तब ऐसा मुआवजा मिलता था, तो मतलब मुआवजा ज़्यादा देना चाहिए तो बात तो हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी कुछ बजट होता है उसमें से सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए हैं, तो मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी ने जो डिमांड किया है उस पर हम सीएम से बात करेंगे और कुछ ज़्यादा उनको मदद हो सकती है क्या, उसके लिए हम करेगी। तो मुआवजा बढ़ाने के लिए नेता मंत्री अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं, बाबाओं की संपत्ति को पुष्ट करके वसूली नहीं की जा सकती है। क्या क्या नेताओं की जो बाबा की जो संपत्ति है अपने पास से उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं, अपने पार्टी फंड से दिलाइए सबको। बाबा की क्या करे, बाबा उनका कहना की जो लोग है 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बाबा लोग जो बाबा जो है ना जिसने जो जिससे कांड हुआ उसकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए की है, उसको बेच करके दिया जाए जनता को। अच्छा, मतलब आपका कहना है जो जिस बाबा के इसमें हादसा हुआ है तो बाबा ने दे देना चाहिए, आप बोलो बाबा को। नहीं बाबा ने भी देना चाहिए। पेंशन आ रही है लगातार, भुगते आ रहे हैं, क्या उनकी कटौती करके या वो अपनी स्वेच्छा से उनको कुछ नहीं दे सकते हैं? अब तो ये जो आपका डिमांड बहुत अच्छा डिमांड है कि जिस बाबा के सत्संग में हादसा हुआ है, बाबा के पास अगर इतनी संपत्ति है तो उसमें से भी मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 2-4 लाख में कोई उनको विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा मुआवजा मिलने के लिए जरूर बाबा के संपत्ति के बारे में जो अभी समिति का अपॉइंट किया है वो समिति उस पर विचार कर सकती है कि भाई जिनकी जानी से चली गई है वो गरीब लोग थे, तो उनके फैमिली के लोगों को मैं आज सीएम से बात करूँगा और जिनकी मृत्यु हुई है तो उनके बच्चों के लिए एकाधे को जो सरकारी नौकरी है वो देने के बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन देऊंगा और जो 121 लोग है उनको सरकारी नौकरी देने के बारे में हम प्रयत्न करेंगे। सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इलाज के लिए 5 लाख रुपए जीवित आदमी को दिया जाता है, मरने के बाद 4 लाख रुपए दिया जा रहा है, 2 लाख राज्य सरकार से, 2 लाख केंद्र सरकार से। किसान निधि के तरफ से जो किसान बीमा जो होते हैं, जिन लोग नाम में जमीन होती है उनको मरने के बाद 5 लाख का बीमा होता है, क्या नहीं लगता है कि जो नेतृत्व था उसके 4 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं, जो नियम अभी है उसमें थोड़ा कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अभी जो नियम है कि जब ऐसा हादसा होता है तो ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते है और राज्य सरकार का 5 लाख देती है, 2 लाख भी देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जब ऐसा हादसा होता है तो मुख्यमंत्री 5 लाख का ऐलान करते हैं, तो राज्य सरकार का भी कुछ बढ़ सकता है क्या, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। वैसा बीजेपी के साथ आरपीआई को लिया जाता है। अब पटेल जी की बात करें, उन्होंने अभी सरकार को एक लेटर भी लिखा है, करें दलितों के साथ जो है न्याय हो रहा है, उनको शिक्षा जो है 69 शिक्षा तो उनके लिए भी न्याय के लिए मांगा है, और अपनी सरकार में भी उनको न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है, कैसे देखते हैं सर? क्या क्या मैं समझा, प्रिया पटेल ने एक लेटर दिया सीएम साहब को, सरकार को उनका जो शिक्षक भर्ती करना था 70-69,000 वो नहीं हुआ, तो उनका कहना है कि आपने नहीं किया तो इसे जो है जो सरकार में बैठे लोग हैं उनमें मतभेद देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी पहले हाथरस पहुंच रहे हैं, उसके बाद ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं,
कैबिनेट की जब बैठक हो रही है तब डिप्टी सीएम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या ये मतभेद जो देखा जा रहा है ये मतभेद इस तरीके का इशारा करता है कि योगी जी की वजह से हार हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार में कोई दो मत नहीं है, सभी मंत्री एक साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं, कोई आगे पीछे गए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब मुख्यमंत्री तो अपने व्हीकल से या अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं और बाद में दूसरा मंत्री भी जा सकता है, तो इसीलिए तो मायावती ने मांग किया कि बाबा का नाम एफआईआर में आना चाहिए। आज आना मतलब आना चाहिए, बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं आया सूरतपाल का। तो मायावती ने कहा है कि ऐसे बाबाओं को नहीं बचाना चाहिए और सरकार इनको कहते हैं इनके खिलाफ भी एफआईआर में इनका नाम शामिल करे। मुझे लगता है कि अगर बाबा इसके लिए जिम्मेदार ही है, मतलब बाबा वहाँ के मुख्य मुखिया थे, तो उनके प्रोग्राम में अगर ऐसा हुआ है तो उसके संबंध में भी पुलिस जांच करे। और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एफआईआर दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब तो ठीक है। उसमें जो जांच है उसमें अभी जो मुख्य आरोपी जो इसके लिए वो तो अरेस्ट हुए हैं। अभी बाबा के बारे में भी मतलब जिस तरह मायावती ने भी मांग किया है उसी तरह मुझे लगता है कि उसके बारे में भी पुलिस विचार करे। एक लास्ट सवाल, यूपी में आम चुनाव के बाद एक सवाल करो, एक विचार से क्या लगता है ये जो यूपी में